हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि सीएनसी ऑपरेटर आप कैसे बन सकते हैं। किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप जाने की सोच रहे हो और वहां पर यदि आप सीएनसी ऑपरेटर की जॉब सर्च करना है आपको, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए तो आपको पता चल जाएगा यदि आप टेक्निकल हैं तो किस तरह से आप सीएनसी की ओर आ सकते हैं और सीएनसी में क्या करियर है, सीएनसी ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं, ऑपरेटर से सुपरवाइजर कैसे बनते हैं और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए यदि आप सीएनसी ऑपरेटर बनना चाहते हैं, क्या फ्रेशर को हायर किया जाता है नहीं किया जाता है, क्या 10वीं 12वीं बंदों को हायर किया जाता है नहीं किया जाता है एज ए ऑपरेटर डायरेक्ट, यदि वो ऑटोमोबाइल किसी भी कंपनी में आते हैं तो क्या उन्हें एज ए ऑपरेटर हायर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्या आपकी सैलरी होती है, कितना साल में सैलरी का इंक्रीमेंट होने का चांस है, क्या आप जो सीएनसी ऑपरेटर है तो जो सीएनसी ऑपरेटर मशीनिंग प्रोसेस के बाद जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है क्या वो बेटर होता है, क्या आपको क्वालिटी में करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों दोनों को हम कंपैरिजन कराएंगे और दोनों में सैलरी का डिस्कशन भी करेंगे और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाए और एज अ सीएनसी ऑपरेटर यदि आप बनना चाहते हो तो आप वेल डिसीजन ले पाओ घर बैठे बैठे। और आप सीएनसी का कोर्स करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या फिर आप खुद से सीख सकते हैं इंडस्ट्री में जाकर, उस पर हम बात करेंगे। और दोस्तों क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं सीएनसी का काम, तो उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं बेसिक लेवल से। यदि आप दोस्तों केवल आपकी क्वालिफिकेशन नॉन टेक्निकल है, जैसे कि आप 10th 12th या बीएससी बीकॉम इस तरह से कुछ कर रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप भी ऑपरेटर बन सकते हो, बट आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ेगा। सीएनसी का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है 3 महीना 6 महीने, डिप्लोमा भी होता है सीएनसी में और 1 ईयर का कोर्स भी होता है, तो आपको इसका कोर्स लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इस अगर कोर्स नहीं करते हो तो फिर दोस्तों आपको सीएनसी ऑपरेटर में डायरेक्ट काम नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा 6 मंथ या 1 ईयर तक आपको अंडर ट्रेनिंग, जैसे नीम ट्रेनिंग कंपनी में चलता है उस पर आपको अंडर ट्रेनिंग में काम करना पड़ेगा। वहाँ पर हो सकता है आपका सुपरवाइजर से अच्छा कॉन्टैक्ट बन जाए तो आपको एज ए ऑपरेटर वहाँ पर या फिर ऑपरेटर के अंडर में आपको रख दिया जाए तो आप उसके अंडर में रहकर वो काम सीख सकते हैं। तो आप इंडस्ट्री से डायरेक्ट सीख सकते हो उस काम को, तो आपको दोस्तों बाहर कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप दोस्तों अगर चाहते हो कि आप डायरेक्ट आउटर से ही सब कुछ सीख कर जाओ, बिल्कुल ट्रेंड होकर जाओ और वहाँ पर एज ए ऑपरेटर कंपनी में आपको जॉब मिल जाए और अच्छी सैलरी के साथ मिल जाए, तो फिर दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए ये सारी चीज़ें जान लो तो फिर आपको बेस्ट सैलरी की जॉब भी मिल जाएगी एज ए सीएनसी ऑपरेटर। दोस्तों यदि आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, आईटीआई या डिप्लोमा इनमें से कुछ भी है, तो दोस्तों आपका अगर सीएनसी का कोर्स है, लाइक यदि आपने 6 मंथ 3 मंथ कुछ भी सीएनसी का कोर्स कर लिया है और दोस्तों यदि करने की सोच रहे हो तो ज़रूर करना चाहिए। यदि आपने आईटी डिप्लोमा कुछ किया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हो और यदि आप चाहते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने की, और दोस्तों यदि आप सीएनसी का कोर्स करना चाहते हैं ज़रूर करिए, क्योंकि इस पर ग्रोथ है और फ्यूचर यही है। क्योंकि अब जो दोस्तों मैनुअल जो लेथ मशीन का काम था वो बिल्कुल बंद हो चुका है और सीएनसी मशीनें ही काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, ऑटोनोमस मशीनें आ चुकी हैं, रोबोटिक मशीनें, रोबोटिक आर्म्स, ये सब काम कर रहे हैं, सब कुछ रोबोटिक्स हो चुका है, हर एक चीज़ रोबोट्स कंपनी पे डील कर रहे हैं। अगर आपको रोबोटिक्स का नॉलेज नहीं है, सीएनसी का नॉलेज नहीं है, तो फिर दोस्तों आप फिट नहीं बैठोगे किसी भी इंडस्ट्री के लिए और आपकी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी, आप वहाँ पर एज ए हेल्पर ही काम करते रह जाओगे लाइफ टाइम। आपको खुद फील होने लगेगा कि आप इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आपकी पोस्ट नहीं बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको ज़रूर बाहर से ट्रेन होना चाहिए, आपको रोबोटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको सीएनसी के बारे में ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। तो सीएनसी के बारे में आपको क्या चीज़ें पता होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको सीखना चाहिए, दोस्तों अगर आप सीएनसी का कोर्स सीखना चाहते हो तो सीएनसी की प्रोग्रामिंग होती है बेसिक प्रोग्रामिंग, 2D प्रोग्रामिंग, 3D प्रोग्रामिंग, आप इसको सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं तो कैड कैम सीएई का कोर्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी अगर आप एक कोर्स कर लेते हो, लाइक कैड और कैम दोनों एक एक सॉफ्टवेयर कर लेते हो, सीएई भले आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आप कोई भी पार्ट आता है आपके सामने, कोई भी ड्राइंग कोई दे दिया जाता है तो ड्राइंग को आप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जानने के लिए, बनाने के लिए, उसमें करेक्शन करने के लिए आपको कैड आना जरूरी है। और कैम में क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी सीएनसी में जो काम होता है वही चीज़ आप कंप्यूटर में उसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर कोई करेक्शन हुआ, कोई एरर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मशीन का टूल तोड़ने से बेहतर है कि आप कंप्यूटर में ही उसका प्रैक्टिस कर लो और कंप्यूटर में टूल तोड़ दो, कुछ भी प्रैक्टिस करते टाइम हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर ऑपरेटर के रूप में जाओगे डायरेक्ट इंडस्ट्री में और वहाँ पर लाखों के टूल तोड़ दोगे तो इंडस्ट्री आपको मारकर निकाल देगी, मारकर नहीं निकालेगी बट आपका अच्छा खासा इंसल्ट होगा और आपको आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, उस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ होनी ही नहीं है अगर आप किसी कंपनी को नुकसान करते हो तो। तो दोस्तों आपको कैड और कैम आएगा तो आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे
फिर दोस्तों आप मैनुअली जाकर वहाँ पर जो भी मशीन है वहाँ पर आप जाकर करेक्शन कर पाओगे, और एक वेल ऑपरेटर के रूप में दोस्तों आप नहीं बल्कि अब एक वहाँ पर सुपरवाइजर बन जाओगे, अगर आपको कैड और कैम सॉफ्टवेयर आता है और केवल आपकी ITI क्वालिफिकेशन। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आएंगे तो इंडस्ट्री में डिमांड भी आपकी बढ़ेगी, और दोस्तों वहाँ पर आप यदि प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो किसी भी इंडस्ट्री की, किसी मशीन शॉप में अगर ऑटोमोबाइल में यदि आप चले जाते हो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस इंडस्ट्री में आपकी डिमांड रहती है और आप अपनी सैलरी अपने हिसाब से बढ़वा सकते हो। तो होता है आपका दबदबा एज अ CNC ऑपरेटर, एज अ CNC का काम यदि आपको आता है, एज अ प्रोग्रामर आपको इतनी चीज़ें आती हैं, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर एज अ प्रोग्रामर भी जॉब ले सकते हो, एज अ R&D डिपार्टमेंट में भी आपकी जॉब लग सकती है अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रोग्रामिंग आती है। तो दोस्तों इनका शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, इसका शॉर्ट टर्म जरूर कोर्स आपको करना चाहिए, चाहे आप जहाँ से भी करिए। अगर नहीं पता आपको कहाँ से करना है तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको कहाँ से करना चाहिए, आप वहाँ से जाकर कोर्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एज ए CNC ऑपरेटर आप एक बेस्ट CNC ऑपरेटर भी बन पाएंगे, एज ए CNC प्रोग्रामर भी आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, आप R&D डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो अगर आपको ये चीज़ें आएंगी। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि CNC का 2D 3D प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं, आप कैड कैम भी सीख सकते हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर आपको आएंगे तो आप एज ए प्रोग्रामर्स एड डिजाइनर्स भी आपको कंपनी हायर कर लेगी इन फ्यूचर। बस इनका ये स्किल्स आपको एक्वायर करनी होती है, अगर आपको स्किल्स नहीं होगी आपके पास तो दोस्तों आपको कंपनी तो क्या कोई भी हायर नहीं करेगा, फिर आप एज ए हेल्पर लेवल में काम करते रह जाओगे। अगर मान लीजिए अगर आप BTech हो, डिप्लोमा हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर आते हैं तो आपकी पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगी। लाइक यदि आप BTech हैं और BTech हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको जो है इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, इस तरह की पोस्ट भी मिलती जाएगी, बस इन्हीं स्किल्स के रिगार्डिंग्स। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर तो दोस्तों आप मैनेजर लेवल तक पोस्ट में पहुंच जाओगे, अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी है। अब यहाँ पर मैटर करता है क्वालिफिकेशन भी, अगर ITI है तो मैनेजर नहीं बन पाओगे, बट फोरमैन तक आप बन जाओगे, फोरमैन तक आप चले जा सकते हो, और वहाँ पर सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब कुछ आप बन सकते हो अगर आप ITI की हो तो। बट दोस्तों मैनेजर HOD बनने के लिए आपकी हाईली क्वालिफिकेशन भी चाहिए स्किल्स के साथ साथ। तो दोस्तों आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि CNC ऑपरेटर बन कैसे सकते हैं, CNC ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ITI डिप्लोमा है, और दोस्तों अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो आपको कोर्स जरूर करना चाहिए, ITI डिप्लोमा है तब भी आपको कोर्स कर ही लेना चाहिए, अगर आप इंडस्ट्री में आकर बेसिक लेवल से एज ए हेल्पर लेवल से काम नहीं करना चाहते हो तो जरूर आपको कोर्स करना चाहिए बाहर से। मौसम एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कर सकते हो वैसे, बट और भी ज़्यादा मैं रिसर्च करूँगा इसके रिगार्डिंग्स, तो मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँगा कि इसमें कहाँ से आप कर सकते हो ये कोर्स और आपको कहाँ से करना चाहिए। मौसम टूल रूम ये इंदौर में भी है, हैदराबाद में भी है, और भी बहुत जगह है, तो वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं ये कोर्स आप करेंगे CNC का, CNC प्रोग्रामिंग का और कैड कैम का, तो आप बेशक आपका अच्छी जॉब लग जाएगा किसी न किसी MNC कंपनी में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।